मंगलाराम जी चतुर्वाल जो कांग्रेस के सोशल मीडिया संयोजक है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मंगलाराम जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आपके कांग्रेस के राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आगे क्या व्यवसाय है, उद्देश्य क्या, आप करना क्या करोगे? राहुल जी की सदस्यता एक सोची समझी चाल है और मोदी जी के बारे में जो संसद में प्रश्न पूछे गए थे उससे मोदी सरकार घबरा गई। अगर मोदी सरकार, मोदी जी इतने ही ईमानदार है तो फिर अडानी मोदी जी का संबंध क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब क्यों नहीं देते? राहुल जी कह रहे हैं मेरे बार बार के स्पीकर महोदय जो माइक बंद करवा दो, सही बात है क्या? ये तो पूरी देश की जनता को मालूम है। हमने किसी भाजपा के नेता से भी पूछा था कि राहुल जी का आप स्पीकर महोदय माइक बंद करवा देते, तो वो कहते हैं राहुल जी ऐसे उठपटांग भाषा बोलते, सही बात है क्या? ऐसी बात नहीं है, आपने देखा पहले तो खाली राहुल जी का स्पीक है जो माइक है बंद होता था, एक दिन आपने देखा वो पूरी संसद को मुंह पे रख दिया था। तो फिर आपने कभी ये सोचा है कि राहुल जी की वीडियो कट कट करके भाजपा के लोग कर रहे हैं या फिर राहुल जी आप ऐसे बोलते हैं? ये तो आप मेरे से ज्यादा जानकार हो, पत्रकारिता करते हो, देश ने पूरा देख लिया है 2014 में जितने भी इन्होंने प्रोपेगेंडा चले, आज वीडियो वो चल तो नहीं रहे, सारी पोल खुल गई होंगी। आपके कांग्रेस मजबूत नहीं है या फिर नरेंद्र मोदी मजबूत है? ये बार बार मोदी जी के सामने मोदी जी मजबूत है या फिर कांग्रेस मजबूत नहीं है? कांग्रेस आज की पार्टी है नहीं, इसने देश को आजादी दिलाई और देश की जनता 2014 में मोदी जी ने जो जुमले फेंके थे उन जुमलों में फंस गई, उन्होंने सोचा परिवर्तन लाकर देखते हैं, और आज क्या स्थिति होगी देश में, महंगाई बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रेलवे की भर्तियां और ये जो अभी लेटेस्ट भर्ती आई है सेना को खत्म करने की योजना है अग्निवीर योजना, ये पूरी सेना की बर्बादी है। देश में सेना है उसका जो इतना पूरा विश्व में डंका बज रहा है उसको कमजोर करने का मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है। कांग्रेस के या तो फिर सोशल मीडिया कमजोर है या फिर कांग्रेस के नेता कमजोर है? न तो कांग्रेस के नेता कमजोर है न सोशल मीडिया टीम कमजोर है। अब कांग्रेस के राहुल जी तो गए, अब प्रधानमंत्री बनने 24 में किसके लिए क्या करोगे? राहुल गांधी जी कहीं नहीं गए हैं, राहुल गांधी जी लोगों के दिलों में और ज्यादा बस गए हैं, जगह जगह आज देखो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, राहुल जी के प्रति जो प्यार है वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 2019 के चुनाव में मेहनत नहीं करते थे या फिर राहुल जी को देख के लोग वोट नहीं देते थे, हारने की वजह क्या रहती बार बार? पिछली बार कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा मुद्दा था नरेंद्र मोदी की अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं लोगों को बताई गई थी, लोग उनमें योजनाओं में सोचा कि क्या पता परिवर्तन करने से हमारा परिवर्तन होने से हमारा उन्नति होगी, पर वो हुआ नहीं। मोदी जी के चक्कर में लोगों ने आज विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और डॉलर को मजबूत करने की बात कर रहे थे कि हमारा रुपया डॉलर से मजबूत होगा, आज डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या स्थिति है ये बताने की हमें जरूरत नहीं। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि डॉलर तो बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, हमारा रुपया थोड़ा घट रहा है। हाँ वो सही है, उनकी सोचना सही है, क्योंकि आजकल भारत में ऐसी विपरीत परिस्थितियां जो सोच है वो बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं बढ़ रहा है, वो देश की जो इज्जत है वो गिर रही है बार बार, उसको शायद वित्त मंत्री समझ नहीं रही। चलो मेरे साथ और कांग्रेस के मैं फिर से मंगलाराम जी से एक दो बात पूछूंगा। मेरे साथ अभी कांग्रेस के जो भारत आज से आज जो कार्यक्रम चलता है कांग्रेस के जो उनके संयोजक है ब्लॉक संयोजक राहुल जी गांधी, राहुल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। राहुल जी आपके राहुल जी गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल जी गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है ये मोदी जी का कुशासन है, लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या है। उन्होंने जो सवाल पूछा था वो पूरी देश में उजागर करना चाहते थे कि मोदी जी का और अडानी जी का क्या रिश्ता है, उसी की वजह से इनकी सदस्यता रद्द की गई। फिर मोदी जी तो कहने को तैयार है कि सदन को चलाने नहीं दे रहे, स्पीकर कह रहे आवाज को ये चलाने नहीं दे रहे, विपक्ष के लोग सदन को के लोग चलाने नहीं दे रहे ये कोई बात नहीं है, लेकिन पक्ष विपक्ष होता रहता है राजनीति में, तो फिर इसका मतलब यही नहीं है कि उनको बाहर कर दिया जाए सदन से। वो मतलब अनुशासनहीनता कर सके तो फिर उसके खिलाफ कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, और जो ये कदम उठाया मोदी जी ने ये इनको आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा।
बात करते थोड़ी राजस्थान की, राजस्थान में अगली बार सरकार काम हो रहा है, आज से नई योजनाएं लागू हो रही है, क्या कितना काम हो गया आपके राजस्थान में? राजस्थान में पिछले 4 साल से जब गहलोत जी की सरकार है, बहुत विकास हुए हैं और आगे भी विकास होंगे, और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि 2023 का चुनाव राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। विपक्ष वाले के भाजपा वाले कह रहे सरकार दम बना रहे हैं, वो देख रहे हैं, कह रहे हैं अपना सपना है, सपना सोच रहे हैं, लेकिन वो उनका सपना सपना ही रहेगा। सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, कुछ डर लग रहा है कांग्रेस को? भाई वो उन्होंने बनाया है, उनकी पार्टी है, उनको सोचना है। कांग्रेस अपना कार्य कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है, कांग्रेस के नेता सब एकजुट है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के अभी मैं और फिर दिनेश जी है, मैं दिनेश जी से बात करूंगा। दिनेश जी, गहलोत साहब अकेले जो संभाग स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं, पायलट साहब को साथ में अकेले मुख्यमंत्री वापस जीतेंगे? ऐसी बात है, संभाग स्तरीय संकल्प सत्याग्रह और राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हुई है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी हर संभाग मुख्यालय पर कर रही है। संभाग के बाद हम जिला मुख्यालय से पहले हो चुका है और अब नुक्कड़ सभाएं होगी और ब्लॉक स्तर पर हम 8 अप्रैल तक ये कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे, जिसमें स्थानीय विधायक है, मंत्री है और प्रधान है, हमारे ब्लॉक के सारे पदाधिकारी है, विभिन्न विभाग और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी है, सब लोग हम संयुक्त रूप से भाग लेंगे। और रही बात आप अशोक गहलोत जी की, तो राजस्थान के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, और पायलट साहब भी बिल्कुल इस मुद्दे पर उन्होंने जो रुख अपनाया हुआ है बिल्कुल राहुल गांधी जी के साथ है, और वो भी जो मोदी सरकार ने कार्रवाई की है उसका जहां भी उनको मंच मिल रहा है विरोध कर रहे हैं। और इस बात पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे जो प्रदेश के इंचार्ज है अंधवा साहब और अन्य नेतागण है, मंत्रीगण है, जो वरिष्ठ विधायक है, सब लोग संभाग भाई हर जगह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने कांग्रेस का कार्यक्रम देखा होगा अजमेर का, लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मोदी के फैन है, मोदी की जय बोल रहे हैं? नहीं ऐसे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी फैन नहीं है, सब झूठे हुए हैं। नारे तो लगा रहे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस के कार्यकर्ता धन्य कांग्रेस लगा रहे, नारे तो कांग्रेस बीजेपी लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगा रहे नारे। नारे एक मिनट, नारे कौन लगा रहे? वो जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है उसके कार्यकर्ता जानबूझकर कांग्रेस का जो माहौल बन रहा है, जिस प्रकार कांग्रेस की मीटिंगें सफल हो रही है, राहुल गांधी जी के पक्ष में जिस प्रकार हिंदुस्तान की आवाम और राजस्थान की आवाम एकजुट हो रही है, उनको डर लग रहा है। और ये जो उन्होंने राहुल गांधी जी के सदस्यता खत्म करके उन्होंने, ये उनके बहुत उल्टा पड़ेगा ये आज के दावा के साथ, मैं कह रहा हूं। इसलिए ये जानबूझकर उन कार्यक्रमों के अंदर ऐसी हवा पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 8-10 लड़के आ जाते हैं और वो जानबूझकर नरेंद्र मोदी की नारेबाजी करते हैं। वो तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठे गए सब। अरे कांग्रेस कार्यकर्ता कोई, कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद की बात करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता को सम्मेलन किसने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता? आपके पास प्रमाण है क्या? संभाग स्तरीय नहीं, आपने उनसे बात की क्या? आप सिर्फ जो चीज कई बार आपको आंखों देखी भी आपको पता झूठी हो जाती है, कानों की सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है, इसलिए जो प्रत्यक्ष बात है सही बात है उस बात को आप कहे। कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता कभी भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की बात नहीं करता, कुछ बोल सकते हैं नहीं, बाहर मीटिंग में आकर के भी वो कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके कार्यकर्ता अगर हमारी मीटिंग में आते हैं हम उनको धक्के देके बाहर थोड़ी निकालेंगे, लोकतंत्र है। कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सचिन पायलट को दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया। ये हमारे सम्माननीय नेता है पायलट साहब, और पायलट साहब राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पास में 3-3, 4-4 मंत्रालय थे, परिस्थितियां कुछ भी हो वो हमारे आज भी सर्वमान्य नेता है, युवाओं की पसंद है, और हमारे ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसको समय समय पर सम्मान दिया है। अब मेरे साथ दादाजी है, मैं उनसे कुछ पुरानी बात सर से करूंगा, एक थोड़ी बात करूंगा मैं थोड़ी सी। दादाजी हमारा आपका स्वागत है। हाँ बोलो सर। दादाजी मैं थाने पूछूं कि अब राहुल गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष है, आपने तो इंदिरा गांधी जी को देखा होगा, सुना होगा, राजीव गांधी को देखा होगा, राजीव गांधी, इंदिरा जी, ये भी राहुल जी के जैसे नेता थे या फिर वो इनसे कुछ ज्यादा हाई लेवल के थे या फिर कम थे? वो तो इसके दादा थे, कोई पिता थे, वो तो इससे थोड़े ऊपर भी थे। राहुल गांधी जी दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है और हमारे कांग्रेस पार्टी के तो नेता भी हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के नेता भी लोग मानते हैं इसको,
पर राहुल जी गांधी मतलब कांग्रेस से सोनिया इंदिरा जी उनसे ऊपर था क्या या वो ऊपर थे? ज्यादा ताकतवर कौन थे? ज्यादा ताकतवर तो इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा थी, उसके बेटे राजीव गांधी थे उससे बढ़कर थे, और राहुल गांधी भी अपनी कोशिश में उससे लगभग ही है, और देश की सेवा के लिए अपनी जान देना तक पीछे नहीं हटते हैं। इसके लिए हम जो जितने भी लोग हैं कांग्रेस के नेता हैं वो राहुल जी के लिए पीछे नहीं हटने वाले। ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता बहुत पुराने पुराने नेता लगभग जुड़े रहते हैं, ये कांग्रेस छोड़ते नहीं, बुजुर्ग लोग अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं। अरे सर, हमारे जो बुड्ढे लोग हैं वो तो उसको पता है कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है। बीजेपी तो अभी बनी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। इस बात का जवाब मैं देना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बुजुर्ग लोग क्यों है? और रही बात यूथ जनरेशन, अभी 30% जो यूथ जनरेशन है जो हिंदुस्तान की, जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान को देखा है, जिस हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है जब अंग्रेज हिंदुस्तान खाली करके छोड़ के गए थे, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तब हिंदुस्तान के अंदर सुई नहीं बनती थी, और आज हेलीकॉप्टर बन रहे, कंप्यूटर बन रहे, ये मोबाइल, ये राजीव गांधी जी की देन है। आज दुनिया मुट्ठी में है, तो ये सारी चीज क्या है? ये राजीव गांधी ने 1985 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब संचार क्रांति आई थी। ये टेलीविजन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल क्रांति का जनक कहा जाता है। तो युवा भी कांग्रेस के साथ है, और बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार परिस्थितियां देखी है, जब अकाल पड़ते थे हरित क्रांति लाई इंदिरा गांधी जी ने, और आज हिंदुस्तान अन्न के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, और उल्टा अपने यहां से गेहूं बाहर भेजा जा रहा है। तो जब हिंदुस्तान मतलब शुरुआती दौर के अंदर जो व्यवस्था थी हिंदुस्तान की, और आज हिंदुस्तान जो प्रगति के पायदान पर है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का योगदान है, कांग्रेस सरकारों का योगदान है, इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। मोदी जी के खिलाफ राहुल जी ने भाषण दिया तो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके राहुल जी के खिलाफ बहुत से भाजपा के नेता जो कह देते पप्पू कहते हैं, कभी कुछ भी कह देते, उनके खिलाफ आपको नहीं करना? ऐसी बात है, कांग्रेस पार्टी उच्चकों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता शालीन और गंभीर प्रवृत्ति के हैं, कांग्रेस के नेता आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, और ऐसे ऐसे नेता हमारे कांग्रेस के हुए हैं, तो उनका इतिहास आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो देख सकते हो, और आपको कांग्रेस के नेताओं के बारे में और कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए क्या योगदान दिया है उसकी सारी जानकारी हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर है। और आज संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वर्तमान की मोदी सरकार संविधान को बदलने की तैयारी में है, और हिंदुस्तान का नागरिक जाग चुका है, और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में इनको सत्ता से बेदखल करके रहे। कांग्रेस के मतलब राहुल जी गांधी के खिलाफ आपके जो सांसद है जैसे केलाजी चौधरी, उन्होंने एक बार बोला था ये पप्पू है, इनको ये कॉमेडियन है, और एक बार उन्होंने ऐसे भी बोल दिया था राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए, आप लोगों के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं? ध्यान होना चाहिए, शिकायत क्यों नहीं करते? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार उनके लिए जो इस्तेमाल शब्द कर रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जी की रगों में किसका खून दौड़ता है, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, ऐसे नेता उनके पास नहीं है। और जो राहुल जी के बारे में जिस प्रकार ओछी हरकत या उनके बारे में शब्द कहते हैं, हम उनके कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले उन कहते हैं ना, मुंह में राम और बगल में सूर्य है उनके, वो ऐसे लोग हैं, तो हम ऐसे लोग नहीं है, हम शांत और स्वभाव और धीर गंभीर प्रवृत्ति के कांग्रेस पार्टी के नेता है। कई बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे मोदी जी या अमित शाह जी हर बार सरकार गिरा दी, सुनी हुई सरकार गिरा दी, आपके भी कांग्रेस वालों ने अटल बिहारी जी की सरकार गिरी हुई, एक वोट से गिराई थी, ऐसी बात है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पर अभी वर्तमान के अंदर जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर चुनी हुई सरकार बहुमत की सरकार और वाजपेयी जी की सरकार गिरती, तो वो बहुमत में नहीं थी, आपको पता है उन्होंने अल्पमत में सरकार बनाई थी, और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो जिसके पास वोट ज्यादा है वो चुनाव शासन करेगा। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग स्टेट कर्नाटक के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भी प्रयास किया था अमित शाह जी ने, पर
वो चीज नहीं हुई थी, इसलिए इन लोगों का इतिहास दुनिया जानती है और कांग्रेस का इतिहास भी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, पहले भी थी, कर्नाटक भी रहेगी। कर्नाटक में चुनाव है मई में, और कर्नाटक से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, क्या रहेगा परिणाम? कर्नाटक का चुनाव हम दावे के साथ में कहते हैं कांग्रेस जीतेगी और बहुमत के साथ में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी। भाजपा वाले कह रहे हैं सारे कांग्रेस वाले फोकट के फर्जी दे रहे, ये फिर ये मामला क्या है? फर्जी देने के नाम पे चुनाव जीते, विकास करते हो? योर क्वेश्चन रिपीट। मतलब कांग्रेस वाले जो सारी चीजें तो अपने सरकार बनाने के नाम पे सारी फ्री देते हैं, सब चीजें बीजेपी वाले के, हम लोग फ्री देने वाले नहीं। ऐसी बात है, कांग्रेस पार्टी सतीश कौम की पार्टी है, सभी वर्ग और धर्मों की पार्टी है, और कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और कांग्रेस की बदौलत आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आम जन यानी अभी वर्तमान के अंदर, पहले जो राजा महाराजाओं का शासन था तब राजा का बेटा राजा बनता था, आज राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। राजा कौन बनाती है? हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर शीर्ष जनता माई बाप होती है, और जनता जिनको चुन के भेजती है सरकार बनाती है। सरकार में बैठे हुए लोग अगर सत्ता का लाभ लेते हैं और सत्ता में जाने के बाद में उनका दायित्व बनता है कि सत्ता जिनको मिली है और जिस पार्टी को मिली है वो पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषित करती है। यानी कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो घोषित किया था और घोषणा पत्र के आधार पे, घोषणा पत्र को भी उन्होंने अपने काम करने का जो एजेंडा बना लिया। और जिस प्रकार आप कह रहे हो तो पब्लिक के हित में, पब्लिक को लाभ देने के लिए योजनाएं चला रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और उनकी जो ऊपर के नेता है उनके पेट में मरोड़े चल रही है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के साथ है, और उन्होंने अपनी इधर उधर कर लिया, पार्टी का अध्यक्ष चेंज करने से सत्ता नहीं आती है, ये भी आप देख के रहना। वापिस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। मैं कई लोगों से पूछता हूँ, भाजपा वाले से पूछता हूँ, कांग्रेस वाले से पूछता हूँ, आपके मुख्यमंत्री कौन बनाओ, किसको बनाओ, वो आला कमान पे भरोसा आप सारे नेता ही, हमारे नेता सोनिया गांधी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और पार्टी हाईकमान और जीते हुए विधायक तय करेंगे, तो ये मुद्दा मेरा नहीं है। अभी मेरे साथ एक खान साहब है, मैं खान साहब आपका थोड़ा पर्ची जान लूं और उसके बाद एक सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ जी, मेरा नाम रहमतुल्ला है, ग्राम भागपुरे की बेरी। इस बार ये सरासर गलत किया है, जो ये फैसला किया लिया है ये मोदी साहब ने, ये बहुत गलत लिया है, ये इसका नुकसान भी भुगतेगा आने वाले समय में। और कार्यकर्ता एकजुट है और सड़कों पर इसमें लड़ाई में तैयार है लड़ने के लिए, और ये मुद्दा बहुत सोच समझ के नहीं लिया है फैसला, ये इसके भीतरघात होगा मोदी साहब पे। भाजपा वाले कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, सही बात है क्या? नहीं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पार्टी है। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों को मौका देते भगवान? नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। आपने सुना होगा ऐसे कहते हैं? सब सुनते हैं, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, ये सरासर गलत बात है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पार्टी है और सब सुनती है, सभी वर्ग और सभी धर्मों का सम्मान करती है। धन्यवाद, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के तमाम प्रकार के, कोई और किसी को कुछ कहना हो तो हो गए मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता से विशेष बातचीत की, और आप हमारे चैनल से जुड़े, आपका स्वागत और धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का बहुत बड़ा आभार।